जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों दो चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। आज दोस्तों चैप्टर नंबर थर्ड भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आज चैप्टर नंबर थर्ड का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है, ये पहला है चैप्टर थर्ड का दोस्तों, ये लेक्चर नंबर कौन सा है, पहला है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना तथा दोस्तों गणितीय संक्रियाएं, ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा थर्ड है। यदि आप चैप्टर नंबर एक और चैप्टर नंबर दो के सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। जैसे ही आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2021-22 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों हाँ, यदि आप सारे वीडियो समय पर पाना चाहते हैं कि यहाँ से जैसे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाए आपको तुरंत तत्काल उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपको जैसे यहाँ से वीडियो और बेल आइकन जो बना होगा घंटी बनी होगी उसको जैसे आप दबा लेंगे, दबा देते हैं तो आपसे जैसे यहाँ से वीडियो हम क्या प्रोवाइड कराते हैं आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। फिर भी यदि नोटिफिकेशन सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के बाद फिर भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके उस लिंक पर क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाएगा। ग्रुप से यदि आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे भी वीडियो जैसे यहां से हम प्रोवाइड कराते हैं तुरंत वहां से हम उसका नोटिफिकेशन वहां पे अपलोड कर देते हैं, वहां पे वीडियो हम डाल देते हैं तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी आप तुरंत वहां से देख पाएंगे। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं, या नोटिफिकेशन चाहते हैं या तो आप चैनल को सब्सक्राइब और क्या बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि वैसे कर चुके हैं आप और नहीं नोटिफिकेशन पहुंच रहा है कभी कभार नहीं आता यदि तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छा है, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं चैप्टर नंबर थर्ड है, दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम बताना चाहते हैं कि इसमें भिन्न क्या होती है उसको तो हम बताएंगे। फिर पांच छह प्रकार की आपको भिन्न पढ़नी है कि सम भिन्न क्या होती, विषम भिन्न क्या होती, सजातीय भिन्न क्या होती, विजातीय भिन्न क्या होती, मिश्र भिन्न क्या होती और समतुल्य भिन्न क्या होती। ये छह प्रकार की भिन्नों के बारे में इस चैप्टर में बताएंगे और यही आपके सिलेबस में है। हाँ एक बात और है, इस चैप्टर से एक नंबर तो कम से कम फिक्स ही है, दो नंबर का प्रश्न मिल जाए अच्छी बात है, कि वरना एक नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आपको मिलना ही मिलना है, वो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव में मिले और चाहे वो अतिलघुत्तरी में मिले, तो एक नंबर इस चैप्टर से आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, एक नंबर आपका इस चैप्टर से फिक्स होने वाला है, ठीक है। आपको छह डिफिनेशन पढ़नी है, छह डिफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं। निकल क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्र एक बार जम के आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक जो जितने भी ग्रुप हों फटाक से इसको शेयर कर दिए जी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मित्र हमारे जुड़ सके और वीडियो का फायदा उठा सके। इस पढ़ाई से आप लोग कुछ सीखें मैं ये सिर्फ चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आप जुड़िए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले भिन्न की संकल्पना थोड़ा सा भिन्न के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप जानते हैं, आप सभी मित्र हमारे डीएलएड के जितने भी मित्र हैं सब जानते हैं भिन्न के बारे में जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि भिन्न होती क्या है दोस्तों। पहली बात पी अपान क्यू, क्या पी अपान क्यू यानी कि के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाती है, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिख लें उसको, और जहां Q not equal to zero मतलब Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए तो वो भिन्न हमारी कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये तो लिखते थे, परिमेय संख्या उसकी यही डिफिनेशन होती थी, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं पर और जहां जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो परिमेय संख्या कहलाती थी। आई होप मेरी बात से आप सहमत होंगे क्योंकि पहली क्लास में हमने सब संख्याओं के बारे में आपको बताया था, राइट। तो पी अपन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जहां से p अपान q तो p अपान q तो ये आप सब पहले से जानते हैं, इसको अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं,
इससे भी आप परिचित हैं। अंश अपान हर, क्या अंश अपान हर के रूप में जो संख्या लिखी होती है उसको हम भिन्न कहते हैं। अंश अपान हर के रूप में जो भी संख्या नंबर लिखा होता है उसको हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। और ज्यादा नहीं बताएंगे कि आप बोरिंग होने लगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और एक तरीका बता रहे हैं कैसे पहचानने के भिन्न। यदि आपको अपने छोटे, क्योंकि आपको तो छोटे बच्चे को पढ़ाना है ना, 1 से 8, 5 तक पढ़ाना है ना, तो उनको बताने के लिए देखिए, ये आपको आयत दिख रहा है, इस समय इस आयत दिख रहा है, सिर्फ एक इसका भाग आपको नजर आ रहा है, सिर्फ आयत नजर आ रहा है, तो संपूर्ण भाग पूछे कहेंगे एक है, ठीक है। अब एक है तो ये भी हमारी भिन्न है, एक हमारा कैसे भिन्न है, इसे इसके अपान पर एक लिख सकते, एक अपान एक हमारी कैसी हो गई, भिन्न हो जाएगी, तो ये भी भिन्न कहलाएगा। अब बाई चांस इसके ध्यान समझे, इस चीज के हमने दो पार्ट कर दिए, कितने पार्ट कर दिए, दो पार्ट। पहला एक पार्ट था संपूर्ण, कितना एक बाहर का पूरा हिस्सा एक है, फिर इसके दो पार्ट कर दीजिए, तो जो संपूर्ण पार्ट होता है, जो पहले पूरा भाग जो बाहर का एक पार्ट था आयत सिर्फ, अब उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो जो पूरा संपूर्ण पार्ट था उसको दोस्तों ऊपर लिखते हैं, ठीक है। संपूर्ण पार्ट को क्या किया, ऊपर लिखा, और जितने भागों में डिवाइड कर दिया, कितने खाने होंगे, 1, 2, उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि यदि कहीं पर यह बना चित्र मिल गया तो उसको आप 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप। यदि वन, जैसे कहीं पे ये दो खाने बने तो उसको आप 1/2 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, राइट। दूसरा समझिए, इसी में यदि 1/2 ये इतना बना हो तो 1/2 लिख सकते हैं आपको, क्योंकि संपूर्ण भाग एक था, एक भाग में कितने खाने होंगे, 2। दूसरी चीज समझिए, अब इसी में हम बाई चांस और खाने बढ़ा दे रहे हैं, ये कर दिया एक लाइन और खींच दिया, ठीक है। अब देखिए कितने खाने होंगे, 1, 2, 3, 4। संपूर्ण कितना, एक भाग था ना, आयत था सिर्फ, तो आयत एक भाग हो गया। अब एक भाग में कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 1/4 हो गए। अब उसी को, एक भाग था फिर हमने दो भाग किया, फिर अब कितना होगा, 1/4 हो गया। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पहले 1/2 वाला बनाया, फिर उसके बाद 1/4 हो गया, अब इसके कितने, 1/4 भाग हो गए। यदि हम चाहते हैं और जैसे बाई चांस इसमें किसी ने और खाने बना दिए तो 1/4 बना लीजिए, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अब ये आयत ही नहीं, आप चाहे वर्ग हो, चाहे कोई गोला हो, चाहे कोई वृत्त हो, कुछ भी है, आप ऐसे उसमें पार्ट करके बना सकते, संपूर्ण भाग ऊपर एक और फिर जितने खाने होंगे बटे में वो। जैसे इसको और हम पार्ट डिवाइड करना चाहें, देखिए जैसे एक पार्ट ये हमने बना दिया, एक पार्ट और इसको डिवाइड कर दिया, तो संपूर्ण एक आयत था तो एक भाग अंश में एक रहेगा, हर में कितने पार्ट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1/8, यानी कि इसको हम कितना ले सकते, 1/8। आई होप आप भिन्न का पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इसी प्रकार यदि हमारा ये वृत्त ले लिया, वृत्त में संपूर्ण एक भाग है, यदि इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें तो इसी वृत्त को क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। यदि यही ले ले, वृत्त ही ले ले, राइट, और इसी में इसको क्या कर दें हम, 4 भागों में डिवाइड कर दें, एक भाग ये होगा, 1, 2 भाग हो गए, इसको क्या कर दें, 4 भागों में, तो इसी को हम क्या ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। हम जानते हैं आप सभी मित्रों को ये सारी चीज़ें पता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने छोटा सा आपको समझाने का प्रयास किया कि आप पुराने यादों में, बचपन की यादों में, जो कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते थे उसमें वापस आ जाएं। 5 में जो मैं पढ़ा होगा तो चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, तो उन यादों को आप ताज़ा कर लीजिए कि ऐसे ही पढ़ाया जाता था उनमें, और ऐसे ही आप सभी मित्रों को अपने जो जहाँ पढ़ाने जाएंगे, जहाँ बच्चों को सिखाने जाएंगे प्राइमरी विद्यालय में, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको ऐसे ही उनको समझाना होगा, ठीक है। इसीलिए ये ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की कि ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भिन्न की संकल्पना आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि भिन्न को P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो हमारी, और जहां Q ≠ 0 हो P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं, जहां P ≠ 0 हो वो हमारी भिन्न कहलाएगी। भिन्न अंश बटे हर या अंश बटे हर के रूप में जो जिसको लिख सकते हैं वो हमारा भिन्न कहलाएगा, या जो परिमेय संख्या होती वो हमारी भिन्न कहलाती है। ऐसे इसको हम खानों में आपको डिवाइड भी करके बता दिया, वर्ग भी होगा उसमें भी ऐसे पार्ट कर सकते हैं, इसके और पार्ट बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके। आई होप आप मेरी बात से सहमत होगी। हमने कहा था मुख्य रूप से आपको इसमें कितनी डिफिनेशन पढ़नी है, 6 डिफिनेशन पढ़नी है, कि समभिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, ठीक है, समान भिन्न क्या होती, असमान भिन्न क्या होती, मिश्र भिन्न क्या होती, ठीक है, और समतुल्य भिन्न क्या होती है, 6 प्रकार की भिन्न पढ़नी है। तो ये पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, समझ में आएगा दोस्तों, जरूर बताइए कमेंट करके बताइए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे, अब हम समभिन्न की बात करते हैं, डिफिनेशन की बात करते हैं कि समभिन्न कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कैसे पूछी जाती है, किसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसको आप कर रहे हैं, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, आप पहली
सम भिन्न, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ध्यान से, तो दोस्तों ऐसी भिन्न जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है सम भिन्न कहलाती है। बस थोड़ा थोड़ा बस बात को समझना, कोई कठिन चीज नहीं है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है सम भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। लिख लीजिए इस बात को, हम कुछ एग्जांपल लगा दे रहे फटाक से, आप जान जाइए। कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ उसको एक बार आपके दिमाग में उतारना है, आपको उसको सिर्फ देखना और देखते देखते आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, यदि किसी भिन्न, यदि किसी, यदि किसी भिन्न का अंश, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा, ठीक, यदि किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होता है, तो ऐसी भिन्न को, सम भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न को दोस्तों क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं, राइट। मतलब कोई ऐसी भिन्न आपको दे रखी हो, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में भिन्न दे रखी है, जिसका यदि किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होता है, अंश जो हो हर से, जैसे एक बटे, उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण जैसे क्या कह रहा है, एक बटे दो, एक बटे दो लिखा, तो देखिएगा यदि किसी भिन्न का अंश, अंश ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, पहले से जानते हैं, जैसे एक बटे दो लिखा, तो इसमें ऊपर एक कितना अंश हो गया जाके, और दो कितना दोस्तों हर हो गया जाके, ठीक है। तो एक यानी कि अंश हो गया जाके, और कहा हर, दो हो गया, तो कहा एक, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, तो हर देखिए दो है और अंश एक है, तो भिन्न का जो अंश है हर से छोटा है कि नहीं छोटा है? भिन्न का जो अंश है दोस्तों हर से छोटा है, यानी कि एक बटे दो भिन्न कैसी होगी हमारी? सम भिन्न होगी, ठीक। जैसे लिखा हो तीन बटे चार, ठीक है। अब देखिए इसमें अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं? अंश हर से छोटा है, यानी कि यहां पे क्या कह रहे हैं, एक तरीके से ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, हर कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, हर हमेशा बड़ा हो, अंश छोटा हो, या एक इसको हम कैसे कह सकते हैं, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, बड़ा हो, किससे बड़ा हो? अंश से बड़ा हो, हर किससे बड़ा हो? अंश से बड़ा हो, सॉरी भैया, इसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा होना चाहिए। जैसे और ले, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे पांच बटे नौ, तो देखिए इसका अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं? अभी देखिए क्या, जब विषम भिन्न लिखाएंगे इंप्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें भी अभी आपको तो तुलना कर, जैसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे चार बटे सात, चार बटे सात है, अब देखिए चार बटे सात हमने लिखा, तो इसका अंश देखिए कैसा है, छोटा है, हर बड़ा है, तो वही तो कहा यदि किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होता है, अंश जो है हर से छोटा, तो हर बड़ा होना चाहिए। ऐसी भिन्न, या एक लाइन में आप याद कर लीजिए, सम भिन्न किसे, ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा हो, अब किससे बड़ा हो तो जानते हैं, क्योंकि भिन्न में अंश और हर ही होते हैं, तो ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है वो हमारी क्या कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है। यदि पूरी ये बात नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है वो सम भिन्न कहलाती है, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न सम भिन्न कहलाती है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक बटे दो, आपको कहीं भी एक बटे पूछ ले निम्नलिखित में से सम भिन्न है, या पूछ ले तीन बटे चार कैसी भिन्न है, और ऑप्शन में दे दे सम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है, समतुल्य भिन्न, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे तीन बटे चार कैसी भिन्न हमारी? सम भिन्न है, या चार बटे सात, और दे दे जैसे उदाहरण ग्यारह बटे तेरह, ग्यारह बटे तेरह, तो ये भी कैसी हो गई हमारी? सम भिन्न हो गई। अब पूछ ले आपसे ग्यारह बटे तेरह कैसी भिन्न है, ग्यारह बटे तेरह कैसी भिन्न है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या आएगा कि हमारी सम भिन्न है। ऑप्शन में सम भी दे रखा होगा, विषम भी दे रखा होगा, समतुल्य भी दे रखा होगा, और क्या मिश्र भिन्न भी दे रखा होगा, तो आप सम भिन्न पर टिक करेंगे। आई होप आप इस बात से सहमत होंगे, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं,
विषम भिन्न, और फिर आपको तुलना भी करके दिखाते हैं। विषम भिन्न, देखिए विषम भिन्न हमारी क्या कहती है, इसमें क्या होता है, यदि किसी भिन्न का जो अंश हो हर से बड़ा या बराबर हो, हर के हर से बड़ा या बराबर होना चाहिए, वो भिन्न हमारी क्या कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती। ऐसी भिन्न जिसका अंश जो दोस्तों हो हर से बड़ा हो या बराबर हो, क्या कहलाएगी हमारी, विषम भिन्न कहलाएगी। लिख लीजिए फिर समझाते एक बार और, साथ ही में लिखते ये साथ में लिख लीजिए, यदि किसी भिन्न का, यदि किसी भिन्न का अंश, यदि किसी भिन्न भिन्न का अंश दोस्तों हर से बड़ा, हर से बड़ा या बराबर होता है, बराबर होता है, तो ऐसी भिन्न को, तो ऐसी भिन्न को, तो ऐसी भिन्न को, तो ऐसी भिन्न को यहां भी लिख लीजिए, को तो ऐसी भिन्न को दोस्तों क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं दोस्तों, हम विषम भिन्न कहते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो। कैसे, देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे तो आप तुरंत समझ पा जाएंगे। उसे उदाहरण कहा, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, अंश जो हर से बड़ा हो, यानी कि जैसे 4/3, अब देखिए 4/3 लिखा, तो यदि कहा यदि किसी भिन्न का अंश, तो अंश 4 हो गया, हर से बड़ा, तो हर से बड़ा है कि नहीं, 4/3 करेंगे तो 4/3 देखो अंश बड़ा है हर छोटा है। यहां पे यदि इसमें देखें तो अंश हमारा कितना है, मतलब इसमें, या इसमें कहना चाहें तो लिख सकते हैं विषम भिन्न में अंश कैसा होना चाहिए, हर से या तो बड़ा या बराबर होना चाहिए। ऐसी भिन्न में क्या अंश जो है दोस्तों हर से, ऐसे भिन्न में जो अंश है हर से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और इस भिन्न में क्या अंश जो है, हर जो है, या ऐसे लिख सकते हैं हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, ये लिख सकते हैं, हर इज ग्रेटर देन अंश, मतलब हर बड़ा होगा अंश से। ठीक है, ये चीज समझ में है, इस चिन्ह के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, हर बड़ा हो अंश से तो हमारी सम भिन्न कहलाएगी। भाई देखिए सब जगह हर बड़ा है कि नहीं, और यदि अंश जो है हर से बड़ा या बराबर है तो हमारी क्या कहलाएंगी, विषम भिन्न कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। राइट, देखिए उदाहरण के माध्यम समझिए फटाफट, 4/3 हाँ, जैसे कि 5/2, अब देखिए अंश बड़ा है हर से हर छोटा है, जैसे 7/5, अब देखिए अंश बड़ा हर छोटा, कहा ऐसे भी जैसे अंश हर से बड़ा हो तो अंश बड़ा रहा छोटा, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 11/15 राइट, तो 11/ देखिए अंश बड़ा, नहीं सॉरी देखो यही पे देखो गड़बड़ हो गया, 11/15 लिखेंगे तो 11/15 ये किसमें जाएगा, संभिन्न में जाएगा, जाएगा कि नहीं दोस्तों, 11/15 देखिए यहां पे क्या होगा, हर किससे बड़ा हो गया, हर देखो हर किससे जो अंश है हर से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, अंश हर से बड़ा, तो यहां पे यही एग्जांपल क्या हो जाएगा, 15/11 इसको हम लिख सकते हैं, 15/11 राइट, देखो अंश बड़ा है हर से छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश से हर छोटा है, अंश से हर छोटा है, या 2/2 कहेंगे सर जी ये कैसे, 2/2 हाँ भैया देखो दूसरी बात भी आपसे कहा था, यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो, मतलब यदि अंश में 2 है और हर में भी 2 है, साल्व करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, लेकिन ये कैसी भिन्न कहलाएगी हमारी, विषम भिन्न कहलाएगी, कैसे कहलाएगी दोस्तों, विषम भिन्न कहलाएगी, साल्व करने पर तो 1 आएगा, 2/2 यानी कि 1, यानी कि 1/1 तो विषम भिन्न कहलाएगी, यानी कि अंश और हर दोस्तों यदि बराबर भी हैं, अंश और हर यदि बराबर हैं तब भी वो विषम भिन्न कहलाएगी। आई होप आप मेरी बात से पूर्णतया सहमत होंगे।
राइट। तो बात समझ पाए कि नहीं। यदि अब एक बार इसको पुनः बताने, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, अंश जो है हर से छोटा होता है तो दोस्तों हमारी समभिन्न कहलाती है। यदि किसी भिन्न का अंश जो हो हर से बड़ा हो या बराबर हो तो हमारी कहलाती, कैसे कहलाती, विषम। अब 2/2, 5/5, 6/7, 8/8, 9/9 ऐसे सभी भिन्न कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, विषम भिन्न। एक चीज और देखिए, सम और विषम भिन्न पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि ये आपको डिफिनेशन नहीं याद रहती है और बाई चांस आपसे सम और विषम भिन्न पूछता है तो कैसे पहचानेंगे, ध्यान समझिए। जब भी हम सम भिन्न की बात करेंगे तो यदि हम उसको डिवाइड करें तो एक से सदैव कम आएगा उसका मान। यदि सम भिन्न है और उसको हम डिवाइड करते हैं दोस्तों तो उसका मान सदैव एक से कम आएगा। कैसे, 1/2 इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, यानी कि 0.1 से कम। इसको डिवाइड कर 3/4 है तो 0.7 कुछ आएगा, 7.5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3/4 है तो 4 × 7 = 28 और 2 × 4 = 20 तो कितना, 0.75 आएगा। एक से कम है कि कम है, इसको भी डिवाइड करेंगे भाई, ये 5 ऊपर है 9 नीचे है तो जाहिर सी बात है क्या, अंश छोटा है हर से तो जाहिर सी बात एक से कम आएगी। इसको डिवाइड करेंगे इसकी भी वैल्यू एक से कम आएगी, इसको डिवाइड करेंगे इसकी भी वैल्यू एक से कम आएगी दोस्तों। तो कुछ नहीं याद रहता, ये कुछ नहीं है झमेला आपको याद रहता है, तो बस अब इतना ध्यान कर लीजिए, जिसका मान आप भिन्न जो आपको दे रखी हो उसको यदि हम डिवाइड करें, यदि उसका मान एक से कम आता है, यदि अंश और हर को हम सॉल्व करें, अंश और हर को क्या डिवाइड करें, भाग कर ले, अंश को अंश हर को सॉल्व कर लें, यदि उसका मान एक से कम आता है तो हमारी भिन्न समभिन्न कहलाएगी। और यदि विषम भिन्न है, यदि हम देखो विषम में क्या करें, यदि हम इसको अंश और हर है उसको यदि हम सॉल्व करते हैं अंश तो एक से उसका मान बढ़ाएगा। यदि सॉल्व करने पर भिन्न का मान एक से बढ़ा रहा है तो हमारी विषम भिन्न कहलाएगी, और यदि सॉल्व करने पर भिन्न का मान एक से कम आ रहा है तो हमारी समभिन्न। नोट हम लिखे देने, एक बात यहीं पर आप नोट लिख लीजिए, दोनों में एक नोट के माध्यम से इस बात को लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, ठीक है, इस बात को नोट के माध्यम से लिख लीजिए। भिन्न को हल करने पर, भिन्न को हल करने पर, हल मतलब, हल मतलब क्या भाई, हल कैसे करते हैं, हल हम ब्रैकेट में एक चीज और लिखे दे रहे हैं, हल करने पर हल कैसे करते हैं दोस्तों, हर लिखते हैं नहीं इधर और भाग करते हैं अंश, ऐसे तो करते हैं, ये कहलाएगा हमारा हल करना। मतलब हर जो है अंश को हर से डिवाइड कर देंगे, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं हर अंश को, मतलब इसे भाग कर दे, 2 से 1 को भाग कर दे तो 0.5 आएगा, इसको किया था तो कितना 0.75 आएगा। तो यदि भिन्न को हल करने पर यदि भिन्न को हल करने पर यदि इसका मान दोस्तों छोटा, इसका मान एक से कम आए, यहां लिख दे रहे हैं ठीक है, अब ध्यान से, एक से कम आता है तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी, तो ऐसी भिन्न समभिन्न, तो ऐसी भिन्न समभिन्न कहलाती है, राइट। दूसरी डिफिनेशन हमने लिख दी, संभिन्न कहलाती, लिख लीजिएगा आगे ठीक है, तो ऐसी भिन्न संभिन्न यहाँ लिख, चलो नीचे लिख देना है, कहलाती है। कहेंगे सर जी खूब पढ़ने बोर्ड की बचत कह रहे हैं, कहलाती है दोस्तों, छोटा छोटा होगा, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा ठीक है। दूसरा देखिए नोट हम इसमें लिखे दे रहे हैं, यदि भिन्न को हल करने पर मतलब उसको डिवाइड कर लेंगे ठीक है, हल करने पर यदि उसका मान एक से मतलब एक मतलब वन एक से ज्यादा आता है, ज्यादा मतलब या अधिक, एक से अधिक आता है, अधिक आता है तो ऐसी भिन्न या इस प्रकार की भिन्न, तो ऐसी भिन्न या इस प्रकार की भिन्न
विषम भिन्न कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। जो आपको तरीका आसान लगे उसका आप यूज कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको ऊपर वाली डिफिनेशन समझ में आ रही तो आप ऊपर वाले से सॉल्व कर लीजिए कि ऐसे भी नहीं जिसका अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है समभिन्न कहलाता है। या आपको जो भिन्न दे रखी है उसको डिवाइड कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, हल करने पर, सरल करने पर यदि उसका मान एक से कम आए तो समभिन्न, यदि एक से अधिक आए तो वो कैसी हो जाएगी, हमारी विषम भिन्न हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो, इसको नोट कर लीजिए फटाक से और आगे बात करते हैं दोस्तों अगले भिन्न की। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों सजातीय भिन्न क्या होती है और विजातीय भिन्न क्या होती है, फिर मिश्र भिन्न क्या होती है और उसके बाद क्या बात करेंगे किसकी, समतुल्य भिन्न क्या होती है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा दोस्तों, आप साथ में लिखते भी रहिए और शेयर भी करते रहिए, जम के दोस्तों शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, यदि नहीं लिख पाए हैं तो आप साथ इसके ले लीजिए और उसको बाद में लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों समझ में आ रही दोस्तों तो बताइए, समझ में कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर दोस्तों पूछ सकते हैं। अगली भिन्न हमारी सजातीय भिन्न क्या कहती है, सजातीय भिन्न लाइक फ्रैक्शन, सजातीय सजातीय भिन्न, इंग्लिश में दोस्तों इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए दोस्तों ऐसी भिन्न जिनके, ऐसी भिन्न जिनके क्या हो दोस्तों, हर समान हो, हर सारे समान होने चाहिए, वो सजातीय भिन्न कहलाती है। ठीक है, दी गई भिन्न में यदि हर समान है तो वे हमारी भिन्न दोस्तों क्या कहलाएंगी, सजातीय भिन्न कहलाती है। कैसे, अभी देखिए ध्यान से, हम लिखते हैं पहले डिफिनेशन लिख लीजिए साथ में फिर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। दी गई भिन्नों में, दी गई भिन्नों में मतलब जाहिर भिन्नों का मतलब एक से अधिक उसमें भिन्न दे रखी होंगी, उसमें से आपको देखना होगा, एक से अधिक भिन्नों का समूह दे रखा होगा, उसमें से आपको चेक करना होगा कौन सा सजातीय है कौन सा विजातीय है, कौन सा लाइक फ्रैक्शन है कौन अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, दी गई भिन्नों में यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं, यदि हर समान होते हैं, समान होते हैं क्या, दी गई भिन्नों में यदि हर समान होते हैं तो इस प्रकार की भिन्नों को, तो इस प्रकार या ऐसी भिन्नों को, तो इस प्रकार की भिन्नों को, भिन्नों को दोस्तों लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, सजातीय भिन्न कहते हैं, सजातीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम समझिए दोस्तों, उदाहरण क्या कहता है हमारा, उदाहरण क्या कहता है हमारा, ध्यान समझिए दोस्तों, उदाहरण कहता है जैसे 1/2, ठीक है, 3/2 क्या कहा है, यदि दी गई भिन्न में हर समान हो, 5/2, ठीक है, 6/2 या 7/2। अब ये पूरा भिन्न जो होगा, भिन्नों का समूह, देखिए सब में, सभी भिन्नों में क्या है, सभी भिन्नों में हर समान है क्या, ये दी गई भिन्नों में
यदि पहले लगा लो थोड़ा और अच्छा लगेगा। यदि दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में हर समान होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भिन्नों को क्या कहते हैं? सजातीय भिन्न कहते हैं। देखिए हर सब में समान है, दो दो दो, जैसे पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा देखिए, जैसे लिखा हो 3/5, 4/5, 7/5, 9/5। अब देखिए सब में क्या है, सब में नीचे 5, 5, 5 आ रहा है, मतलब हर समान हो, अंश में कोई भी डिजिट हो, छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंश में कोई भी डिजिट हो लेकिन उनके हर समान होंगे, तो ऐसी भिन्नें दोस्तों हमारी सजातीय भिन्न कहलाती हैं। आई होप आप मेरी बात सहमत होगी। यदि उनके हर कैसे होंगे, समान होंगे, और कैसे होंगे, अंश से कोई फर्क नहीं, अंश छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं, हर समान होने चाहिए, अंश से आपसे कोई मतलब नहीं, हर उनके एक जैसे होते। जैसे ये आप पूछ ले, ये समूह दे दे 3/5, 4/5, 7/5, 9/5, पूछे कैसी भिन्न है, ये कैसी भिन्न है, ठीक है, यदि कैसी भिन्न है, यदि उसमें सजाती भिन्न का ऑप्शन दे रखा तो आप बताएंगे ये सभी भिन्न कैसी हैं, सजाती भिन्न, क्यों, क्योंकि इनके हर कैसे हैं, समान है। अब कुछ जरूरी नहीं चार ही का जोड़ा दे रखा हो, चार 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 संख्या एक साथ दे रखे हूं, एक एक समूह में चार संख्या दे रखी, दो दो संख्याएं भी एक समूह में दे सकता है, तीन संख्याएं भी एक समूह में दे सकता है, चार संख्या एक समूह में दे सकता है, पांच संख्या एक समूह में दे सकता है, उन सभी समूहों को आपको देखकर उनको सॉल्व करना होगा। देखेंगे साल के करने, देखते ही देखते पहचान लेंगे, यदि हर समान है तो भिन्न हमारी सजातीय भिन्न कहलाएगी। ठीक है, चलिए विजातीय भिन्न की यहीं पे बात कर लेते हैं। विजातीय भिन्न, अब उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं है, कोई भी जैसे 2/11, 5/11, 7/11, ऐसे तीन भिन्न 2/11, 5/11, 7/11, अब देखिए इनके सब में 11/11 हर में आ रहा, तो ऐसी भिन्न कैसे कहलाएगी, हमारी विजातीय भिन्न कहलाएगी। विजातीय भिन्न, ठीक है, वो लाइक फ्रैक्शन था, ये कैसा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए ध्यान से, बस वही डिफिनेशन है, यदि दी गई भिन्नों में हर इसमें समान होता था, इसमें हर कैसा होगा, असमान होगा, हर कैसा होगा, असमान होगा। देखिए यदि यदि दी गई भिन्नों में, यह दोस्तों दी गई भिन्नों में हर असमान होता है, हर असमान होता है, तो इस प्रकार की भिन्न को या ऐसी भिन्न को, तो इस प्रकार की भिन्न को दोस्तों विजातीय भिन्न कहते हैं, विजातीय भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय भिन्न कहते हैं, या इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं? विजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे क्या कहा, यदि दी गई भिन्न में हर असमान हो, जैसे उदाहरण देखिए ध्यान से, उदाहरण क्या कहता है, पहला उदाहरण जैसे 3/5, 7/5 या 7/6, ठीक है, 4/7, 8/9, अब क्या कहा, यदि दी गई भिन्नों के हर असमान, देखिए सबके हर, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 9, सबके हर देखिए दोस्तों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये पूरा समूह क्या कहलाएगा, हमारा विजातीय भिन्न का कहलाएगा। जैसे अगला एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2/3, 3/2, 6/7, 7/11, ठीक है, अब इनको जैसे साल करिए, 2/3, 3/2, साल क्या करना है, और 6/7, 7/11, अब देखिए सबके क्या कहा, ऐसी भिन्नों में यदि दी गई भिन्नों में हर असमान होता है, तो देखिए हर यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 7 है, 11 है, जो पूरा समूह दे रखा होगा उसमें आपको हर को देखना है, यदि हर असमान है दोस्तों तो वो हमारी विजातीय भिन्न कहलाएंगी, यदि हर समान है दोस्तों तो वो हमारी सजातीय भिन्न कहलाएंगी। कोई तो दिक्कत नहीं है आपको इसमें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि हर उनके असमान हर अलग अलग हैं दोस्तों, जैसे यहां भी देखिए 5 है, यहां 6 है, यहां 7 9, सबके हर अलग अलग हैं, और यहां देखिए अंश से कोई भदक नहीं, यहां भी देखिए हर
हर सबके क्या समान है, मतलब यदि सजातीय विजातीय भी नहीं कहता, सजा नाम से स्पष्ट है सजातीय, सजातीय लाइक सजाती, सो सजाती कहने का मतलब समान, यानी कि हर समान होंगे। विजाती विजाती मतलब अलग अलग, विजाती अलग जात का, मतलब विजाती मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, अलग होना चाहिए, यानी कि उसके क्या उसके हर अलग होने चाहिए। हर पे ही ये सवाल चल रहे हैं, हर इनसे मेन चीज है सजाती बिन और विजाती बिन में हर से मतलब है। यदि हर समान तो सजाती, हर असमान तो विजाती। समूह आपको दे रखा होगा भिन्नों का समूह, उसमें से पहचानना होगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप ये बात समझ चुके होंगे। अब दो प्रकार की भिन्नें पढ़ी हैं, पढ़नी है आपको, सीखनी है। आपने पढ़ लिया कौन सी, सम भिन्न पढ़ ली, विषम भिन्न सीख ली, और सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न, दो प्रकार की, मिश्र भिन्न और समतुल्य भिन्न। ध्यान से देखिए, अब अगली हेडिंग हमारी रहेगी मिश्र भिन्न, इसको रब कर रहे हैं। जिन भाई बंधुओं ने नोट कर लिया अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो वीडियो देख के रोक के आप नोट कर लीजिए, या शॉर्ट डिस्क ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन नोट्स दोस्तों जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं, जो एग्जाम के समय आपके काम आने वाले हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए देखो अगली हेडिंग है मिश्र भिन्न। देखिए मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं डिफिनेशन, फिर उसको देख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं समझाते हैं। यदि दी गई भिन्न में, दी गई भिन्न में, भिन्न में अंश और हर के साथ, यदि दी गई भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक, पूर्णांक मतलब एक पूरा अंक लगा हो, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या, अंक होना चाहिए, कोई भी एक अंक लगाओ, नंबर लगा हो, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, मतलब पूरा एक अंक लगा। यदि दी गई भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है या लगा होता है, लिखा होता है, तो ऐसी भिन्न को, या तो इस प्रकार की भिन्न को, ऐसी लिखे या इस प्रकार बात एक ही है, तो इस प्रकार की भिन्न को दोस्तों मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। उदाहरण देखिए ध्यान से, यदि दी गई भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक लिखा होता है, यानी कि पूरा अंक लिखा होता है, तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या कहता है, जैसे मैं बात करते हैं उदाहरण में, देखिए जैसे तीन सही एक बटे दो, इसको ऐसे तो पढ़ते हैं। तो देखिए एक बटे दो अंश भी लिखा है और हर भी है, उसके साथ एक पूरा अंक लगा है। अंश है दोस्तों, हर है, एक पूरा अंक, यानी कि पूरा अंक हो और फिर क्या हो, अंश हो और हर हो, ये इसने कहा है। पूरा अंक लिखा होना चाहिए, अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। तो तीन सही बटे दो, जैसे पांच सही दो बटे तीन, तो पांच सही दो बटे तीन हो गया। देखिए पूरा अंक है, यहां अंश भी है और हर भी है, राइट। जैसे सेवन सही पांच बटे सात, सात सही पांच बटे सात, तो सात सही पांच बटे सात है। देखिए पूरा अंक भी लगा है और कितना, ये भी नंबर भी है, अंश भी है और हर है, अंश हर के साथ, अंश और हर के साथ दोस्तों एक पूरा नंबर लगा है, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी। पहचान लोगे, ठीक है। टेढ़ी बेढ़ी देखिए, टेढ़ी बेढ़ी भिन्न है, जिसमें अंश हर हो उसके साथ एक पूरा अंक लगा हो, तो ऐसी भिन्न हमारी क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है दोस्तों। अब इसमें से कोई जैसे पूछ रहे तीन से एक बटे दो कैसे भिन्न है, तो आप तुरंत पहचानेंगे मिश्र भिन्न है। सात से पांच बटे सात कैसे भिन्न है, तो आप कहेंगे मिश्र भिन्न है।
5 से 2 बटे 3 कैसे भिन्न है, तो मिश्र में जैसे 11 से 5 बटे 3 कैसे, 11 से 5 बटे 11 भिन्न कैसी है, तो आप कहेंगे मिश्र भिन्न है। 2 से 3 बटे 5 कैसे भिन्न है, तो मिश्र वही 2 से 3 बटे 5 कैसे भिन्न है, मिश्र भिन्न हो जाएगी, राइट। तो आप सब मिश्र भिन्न के उदाहरण समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे इसमें से कोई नंबर एक पूरा देखकर पूछ लेगा, जैसे पूछ ले 9 से 2 बटे 5, 9 सही 2 बटे 5 कैसे भिन्न है, तो आप कहेंगे मिश्र भिन्न है। देखिए अंश बटे हर भी है, उसके साथ एक पूरा नंबर भी लगा, नंबर ये भी पूरे पूरे हैं, लेकिन अंश बटे हर इसको भिन्न पढ़ेंगे, 2 बटे 5 ये हमारी कैसी भिन्न है, लेकिन अब क्योंकि 9 लगा है अलग से लगा है पूरा अंक है, फिर अंश बटे हर भी है, तो पूरा अंक और अंश बटे हर के रूप में यदि लिखा होगा तो वो भिन्न हमारे किस श्रेणी में जाएगी, मिश्र भिन्न की श्रेणी में जाएगी। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। अंतिम हेडिंग दोस्तों देखते हैं समतुल्य भिन्न, कुछ प्रश्न दो चार कर लेंगे और ये चैप्टर दोस्तों आज ही समाप्त हो, चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया आज ही समाप्त होने हो जाएगा दोस्तों, तो आप खुश हो जाए कि इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना था, लेकिन जो हमने 6 डिफिनेशन पढ़ा है 5 तो पढ़ सीख चुके हैं, जो अगली 6 डिफिनेशन सीख रहे हैं उसको सीख लीजिए और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। और आप 25 में 25 की ओर लगातार अग्रसर हो रहे, जितने चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लगातार आपके नंबर उतने ही इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, ठीक है। देखिए किसे कहते हैं, यदि किसी दी गई भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा और गुणा करें, यदि किसी भिन्न में, यदि दी गई भिन्न में उसके अंश और हर में समान नंबर से समान अंक से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की समतुल्य भिन्न कहलाती है, तो प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है। शायद नहीं समझ में आ रहा, लिखिए फिर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यदि दी गई भिन्न में, भिन्न के अंश में, यदि दी गई भिन्न के अंश में यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में, ऐसे लिखे अंश तथा हर में, यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या, ठीक समान संख्या ना तक कोई भी नंबर जो होना चाहिए, जो समान अंक समान संख्या या समान संख्या उसको क्या कहते हैं अंक, समान संख्या लिख लें या समान अंक, कोई भी 2, 3, 4, 5 समान होना चाहिए, जो हम अंश में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यदि अंश में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करना पड़ेगा, तो भी हमारी क्या कहलाएगी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान अंक किस 0 को छोड़कर, 0 0 0 0 को छोड़कर, मतलब शून्य के अतिरिक्त, शून्य उसमें शामिल नहीं होगा, 0 को छोड़कर, 0 को हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 0 ये नहीं कि 0 से ऊपर नीचे हर अंश में हर में 0 से मल्टीप्लाई करें, सब बेकार होगा मामला, 0 को छोड़ देंगे, बाकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान अंक से गुणा करते हैं तो प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की, तो प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की, गई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, लैंग्वेज पे मत जाइए कि इतनी बड़ी है, उसको ध्यान से समझिए और लिखने का प्रयास करिए। यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान अंक, शून्य को छोड़, 0 को छोड़ देंगे, को छोड़ सब, यदि दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान अंक से गुणा करते हैं तो प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाती है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, खूब पूछा जाता है। उदाहरण के माध्यम समझिए दोस्तों कैसे, उदाहरण हमारा क्या कहता है, देखिए उदाहरण पहला, जैसे आपसे पूछे
दो बटे तीन की समतुल्य भिन्न, दो बटे तीन की कोई तीन समतुल्य भिन्न लिखिए, दो बटे तीन की कोई तीन समतुल्य भिन्न लिखिए। आप ध्यान समझिए, दो बटे तीन की प्रश्न नहीं लिखना, दो बटे तीन की तीन समतुल्य भिन्न लिखिए, समतुल्य भिन्न लिखिए, भिन्न लिखिए। ये प्रश्न के माध्यम से हमने इसको लिख दिया, आप प्रश्न भी ऐसे पूछ सकता है, ध्यान समझिए। तो दो बटे तीन की तीन समतुल्य भिन्न कैसे, आप दो बटे तीन में ध्यान समझे किसी भी नंबर से, जैसे दो बटे तीन है, यदि हम इसको हम ऊपर इसके अंश में भी दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर में भी दो मर से मल्टीप्लाई कर दे तो कितनी हो जाएगी, दो दूना चार बटे छ, दो दूना चार बटे छ हो गए। अगली देखिए, जैसे ध्यान समझिएगा दोस्तों, अब जैसे अगला दो बटे तीन था, इसको यदि हम तीन से मल्टीप्लाई हर में भी कर ले और तीन से अंश में किसी भी नंबर से करिए, जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से, अंश हर में समान अंक से गुणा करना है। तो दो बटे इसमें दो तिया छ बटे कितना, तीन तिया नौ हो गए, दिख रहा है ना। अगला देख लिए, जैसे दो बटे तीन था, अब इसको हम कितने चार से गुणा कर दे, चार से भाग कर ले, पांच से गुणा करें, पांच किसी से भी करें, तो दो चक्कू आठ और तीन चक्कू बारह। यानी कि कहने का मतलब है दो बटे तीन की समतुल्य भिन्न कौन कितनी आएगी, चार बटे छह होगी, और कौन सी हो जाएगी, छह बटे नौ होगी, और दोस्तों कौन कितनी हो जाएगी, आठ बटे बारह। ये दो बटे तीन की ये कितनी समतुल्य भिन्न प्राप्त हो गई, तीन भिन्न, चार बटे छह, नौ बटे छह, आठ बटे बारह, ये हमारी कैसी हो गई, समतुल्य भिन्न हो गई, दो बटे तीन की तीन समतुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। है आसान कि नहीं आसान, कोई कठिन नहीं। चलिए ऊपर एक बार और कुछ लिख के दिखाते हैं उदाहरण, ये लिख लिया ना मैं संख्या दोस्तों, ध्यान समझिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेता अगला उदाहरण सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड यदि आपसे कहता चार बटे तीन की चार की चार समतुल्य भिन्न लिखिए, चार समतुल्य भिन्न लिखिए, ये प्रश्न भी होगा, चार समतुल्य भिन्न लिखिए, प्रश्न के माध्यम से ही समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप देखिए चार बटे तीन है तो चार बटे तीन नोट कर लिया, अब इसको क्या हम दो से अंश में किसी भी, कुछ जरूरी नहीं है, आप दस से मल्टीप्लाई हर में कर सकते हैं और दस से मल्टीप्लाई अंश में, आप सात से मल्टीप्लाई हर में कर सकते हैं, सात से मल्टीप्लाई अंश में, आप सात आप पांच से मल्टीप्लाई अंश में कर सकते हैं, पांच से हर में किसी भी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर, इसलिए करें थोड़ा आसान हो जाता है। तो चार दूनी आठ और बटे कितना, तीन दूनी छह हो गया, ठीक है, चार बटे तीन है, इसको हम तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तीन से अंश में क्या, तीन से हर में कर दिया, तो चार तीन बारह बटे कितना हो गया, तीन तीन नौ हो गया। फिर चार बटे तीन को कहाँ से कर दिया, चार से कर दिया, चार बटे चार से, तो ये चार लिखा दोस्तों फोर, तो कितना चार चक्कू सोलह हो गया, और बटे कितना चार तीन बारह हो गया, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथी देखिए, जैसे चार एक तो चार बटे तीन था, चार बटे तीन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाँच से कर दिया, पाँच से हर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चार पंचे बीस और तीन पचे पंद्रह, तो चार पंचे बीस और तीन बच्चे पंद्रह, देखिए एक दो तीन चार, तो चार बटे तीन के समतुल्य भिन्न कितने होंगे, चार कहा था चार समतुल्य भिन्न लिखे हैं, तो चार बटे तीन की चार समतुल्य भिन्न कितने हो गए दोस्तों, आठ बटे छह पहली हो गई, दूसरी बारह बटे नौ हो गई जाके, तीसरी सोलह बटे बारह हो जाएगी, और बीस बटे पंद्रह। और सबसे पहले आसान तरीका क्या है, आप यदि इनको काटेंगे तो चार बटे तीन सब कुछ प्राप्त होगा, इसको काटेंगे तो पांच तीन पंद्रह, पांच चक्कू बीस और पांच तीन पंद्रह, देखिए चार बटे तीन, ये काटेंगे तो सब क्या चार बटे तीन ही प्राप्त होगा। तो समतुल्य भिन्न पहचानना बहुत आसान है, यदि दी गई कोई भी भिन्न, दी गई भिन्न के अंश तथा हर में समान अंक से जीरो को छोड़कर से गुणा करते हैं तो प्राप्त भिन्न दी गई भिन्न की क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है। आई होप आप छह की छह डिफिनेशन समझ गए होंगे, कौन कौन सी, समभिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, समभिन्न, ठीक है, विषम भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, सजातीय भिन्न क्या होती है यानी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, विजातीय भिन्न क्या होती है यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि नहीं, और ये छठी कौन सी थी, कहाँ गया, समतुल्य भिन्न क्या होती है। तो ये आपने सारी भिन्न सीख ली, ठीक है, छः की छः भिन्न आपने सीख ली है। यदि इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, चलिए इसको हम रब करते हैं और फिर उसके बाद कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं और चैप्टर आज ही क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रब करें। ठीक है, ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए। और भी उदाहरण कोई भी हो, कोई भी नंबर 3/5 दे दे, उसकी 5, 3/5 दे दिया, उसकी 5 क्या पूछ लेते हैं, समतुल्य बीन बताइए। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए, फिर 5 से करिए, 6 से करिए, 7 से, ऐसे करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। बस ध्यान ये रखना, जिस अंश हर में, जिस नंबर से अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही नंबर से, एक ही अंक से अंश हर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जैसे देखिए, कुछ छोटे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं यहां से, तो उन प्रश्नों की दोस्तों भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत कठिन प्रश्न यहां से नहीं आते भैया, बहुत आसान आसान प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं, बस आपको एक बार सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे कहता हल कीजिए, ठीक है, हल करना है दोस्तों। जैसे पहला पार्ट इसके अंदर कह रहा है, पहला प्रश्न 4/5 × -3/2। अब इसको हल करना है, कोई कठिन काम है? 4/5 × -3/2 कैसे हल करेंगे? देखिए, 4/5 ऐसे लिख लिया और -3/2, तो -3/2 तो माइनस और प्लस मिल गया, माइनस बाहर आ जाएगा यहां पे कि नहीं, और ये कितना हो गया, 3/2 हो गया, राइट भाई। यहां प्लस होता है, यहां माइनस, प्लस मिलकर प्लस, माइनस मिलकर माइनस बाहर आएगा। 2 × 2 = 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर 2 × 3 = 6/5। कहेंगे सर जी क्या खेल बना रहे हैं, ऐसे ही पूछे जाते प्रश्न है। एक और ले लेते इसी टाइप का, जैसे आपसे कह ले 6/7 और 5/6 × -5/7 × 7/3 ठीक, ऐसे प्रश्न कह दिया, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सारे पहले चिन्हों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो एक बार माइनस आ गया, माइनस प्लस का झंझट खत्म हो गया, तुरंत माइनस आपने लगा लिया। ठीक है, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ना, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो गया जाके। फिर सबको नोट कर लीजिए एक बार, 6/7 हो गया, फिर 5/7 हो गया, फिर 7/3 हो गया दोस्तों, चिन्हों का खेल खत्म हो गया वहां से, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो कट रहा काट लीजिए, 7 से 7 कट गया, 3 × 3 × 3 = 6, तो कितना आता जाके 2/7 माइनस का, और ये कितना हो गया जाके, उधर कितना चल के, फिर 5 यहाँ 5 बचा जाके बस, राइट। देखिए माइनस का 2 बचा जाके, 2/7 बचा जाके, यहाँ 7 कट ही गया, 5 बचा जाके, यहाँ 3 × 3 × 3 = 6 कट गया, मल्टीप्लाई के माइनस का 10/7 आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 1/2, ठीक है, 3/5, 6/7, 1/5, 9/8 में बड़ी तथा छोटी भिन्न बताइए, में सबसे बड़ी कर लीजिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न बताइए। आसान प्रश्न है कि नहीं, मैं सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताना है। आप देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या, सबको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 1/2 उसकी जो 0.5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए सबको हम अलग से आपको कहेंगे, जैसे 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में, तो देखिए कितना हो जाएगा सोल्यूशन, देखिए इसका 0.5 आएगा, 3/5 है, इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 5, देखो ये आसान है, नहीं समझ में इसको कर लिया, पढ़ने लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 5 6 = 30, कितना हो गया,
0.6 हो गया, ठीक है। अगला कितना है, 6 अपान 7 है, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना है, 6 7 अपान 6 को डिवाइड करेंगे, 7 अपान ये कितना है, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा 0 पर है, बड़ा है 7 × 7 = 56 हो गया, 4 हो गया देखिए दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि पॉइंट एक ही का छोड़ दीजिए, चार लगाना चाहो लगा लीजिए, 0.85 हो गया, ठीक है, या 0.80 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट के बाद जीरो लगाना लगा सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो घबराइएगा मत। अगला 1/5 है, तो 5 से डिवाइड इसको करेंगे, 1 से 0.05, 5 × 2 = 10, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, राइट। अगला इसको भी एक अंक रखिए, सब जब एक अंक में है कोई दिक्कत नहीं। 8 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 8 × 8 और कितना हो जाएगा, 1 ताल लिया, पॉइंट लगा लिया 0 8 × 8, यानी कितना 9/8 को हम 1.1 लिख सकते हैं, राइट। देखिए इनको डिवाइड करना आसान पड़ेगा और जल्दी वहां से हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछा था, राइट, तो सबसे छोटी भिन्न देखिए कितना है, ये देखिए ये सबसे छोटी भिन्न होगा 1/5, देखिए 0.2 से कोई छोटा नहीं है, और सबसे बड़ी ये सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब देखिए सबसे ये तो दूरी से समक रहा है 1.1, 1 से अधिक है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी आपने सॉल्व कर लिया, सबसे बड़ी छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न ऐसे करके आप लिख लेंगे, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई, कर लेंगे ना ऐसे प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक प्रश्न और लगा लीजिए, जैसे आपसे कहता है अगला प्रश्न, 2/3, 4/5, 5/6, ठीक है, और 6/7 को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, क्रम में लिखिए को आरोही क्रम में लिखिए दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आरोही क्रम में लिखना चाहे तो यानी कि बढ़ते, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये तो होता है आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो उसको बस वही तरीका आप डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 2/3 है, सोल्यूशन की बात टाइप चलते हैं, 2/3 इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, लाए पीछंग 18 फिर 2 फिर 0 पीछंग 18, यानी कितना 0.66666 बढ़ता जाएगा, तो हम 6 चलने दीजिए, चलो ठीक चलेगा। 4/5 है, इसको करेंगे दोस्तों तो पॉइंट लगाएंगे 0.8 आ जाएगा कि नहीं, 4 है 0.05/40 है कि नहीं, तो यानी कितना 0.80 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 कोई दिक्कत नहीं करता। अगला इसको रखो दे, चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला क्या कहता है, 5/6 है, इसको भी डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 5/6 है, ध्यान समझिए, तो 5/6 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 6 × 8 = 48, 2 होगा 20 होगा, 6 × 3 = 18, ये तो होगा, तो यानी कि 5/6 को 0.83 लिख सकते हैं, राइट। अगला देखिए 7/6, इसको लगाएंगे पॉइंट, 7/56, ठीक है, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 7 × 5 = 35, यानी कितना 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.85, ये फटाक से कर लें, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें, में आपसे 2 नंबर तक प्रश्न पूछ लेता, 1 से 2 नंबर में, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, अब ध्यान से देखिए भैया, अब इसमें आपसे का अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे अवरोही मतलब बढ़ते का, सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, अब इसमें देखिए सबसे छोटा ये पहला वाला ही सबसे छोटा है, ये तो सीरियल सही लिखा, फिर दूसरा वाला 0.8 उससे बड़ा है, फिर तीसरा वाला उससे बड़ा तो सीरियल से ही लिखा है, तो यानी कि सबसे 0.66 आया, तो 2/3 ये होगा जाके, ठीक है। उसके बाद कितना दोस्तों, 4/5, ये सीरियल से ही लिखा था, और दूसरा कितना 5/6, अगला कितना 6/7, भाई देखिए सब बढ़ते क्रम, 0.66, 0.8,
फिर 0.83, फिर 0.85, सब बढ़ते क्रम में है। तो ये देखना क्या होगा, ये दोस्तों हमारा कैसा होगा, आरोही क्रम होगा। आई होप आप इस मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे। यहाँ संयोग बन गया, ये बढ़ते क्रम में, ये कोई जरूरी नहीं, ये 5/6 इधर बाई चांस यहीं पे जो 5/6 था उधर दे रखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता रहे हैं। और 4/5 यहाँ दे रखा होगा तब कुछ बात, 2/3 आया पहला, ठीक है, 2/3, फिर 4/5, 5/6, 6/7, ठीक है, इस रूप में सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा प्रश्न था वैसे ही कर देना है, बाई चांस आगे पीछे हो तो आप सॉल्व करेंगे। यहाँ तो संयोग था कि एक ही लाइन से मिल गए, आगे पीछे होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, इसके हिसाब से लिखेंगे। आरोही क्रम में कहा, यदि अवरोही कहेगा तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, इसी को यदि आरोही के साथ कह देता आरोही क्रम में, यहीं पे कह देता दूसरा पार्ट अवरोही क्रम में लिखना होता, यदि इसी का कहता दूसरा पार्ट, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते दोस्तों, अवरोही क्रम, ये तो दोस्तों आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। यदि बाई चांस आपसे अवरोही क्रम पूछता तो हम क्या करते हैं, तो यानी कि अवरोही मतलब क्या होता, बढ़ता हुआ, ये क्या होता, ये बढ़ते, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता था, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, लेकिन अवरोही क्या होता, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले को किसको लिखेंगे, बड़े वाले को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कितना होगा, देखिए सबसे पहले कितना होगा, 6/7 हो गया, फिर कितना होगा, 5/6, सबसे बड़ा तो यही 6/7, फिर 5/6, फिर 4/5, और फिर कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये कैसा हो गया हमारा, देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तो हुआ सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा, मतलब फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा हो रहा, राइट। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया, राइट। मुझे उम्मीद आपको समझ में आई होगी। और जो क्वेश्चन इसमें कुछ हैं, अब हैं क्या इसमें, जितने टाइप के करा थे इसी टाइप के पूछे जाएंगे, फिर भी यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जब आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो क्वेश्चन इसमें आपको डाउट होगा वो तो हम आपको, यदि डाउट होगा तो अगली क्लास जो लेंगे चैप्टर नंबर 4 जब स्टार्ट करेंगे उसमें बता देंगे, यदि आप प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और जब हम ब्रह्मास्त्र कराएंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो भी ब्रह्मास्त्र के नाम से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम वहीं से आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछते रहिए दोस्तों, और आप जबरदस्त इसको शेयर करिए, लाइक करिए, यदि आपको पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक जरूर करिए, और यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। कहीं पे कोई भी समस्या निसंकोच आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।